ये सीजन आईपीएल इतिहास में हमेशा रखा जाएगा याद। इन दोनों खिलाड़ियों ने कई खिलाड़ियों का करियर कर दिया बर्बाद। इस सीजन में हो गया वो अजीब काम जिसे कभी कोई नहीं दे पाया अंजाम। अब इस खिलाड़ी के किस्से बनाए जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को खूब सुनाए जाएंगे। एक मैच चार रिकॉर्ड जिन्हें अब कोई नहीं पाएगा तोड़। जब भी इस मैच का एक कारनामा याद किया जाएगा, इस खिलाड़ी को सबसे ऊपर रखा जाएगा। आईपीएल इतिहास में अमर हो गया ये खिलाड़ी। साल 2023 में इस खिलाड़ी के साथ हो गया बड़ा चमत्कार, लगा रहा है रनों का अंबार। जी कहते हैं किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है, ऐसा ही कुछ इस खिलाड़ी के साथ हो रहा है। पिछले साल महीनों में इस खिलाड़ी ने छप्पर फाड़ रन बनाए हैं। पिछले सात महीनों में इस खिलाड़ी ने पांच पांच शतक ठोक दिए हैं। पिछले सात महीनों में इस खिलाड़ी ने अपने दम पर कई मैच जिता दिए हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब इस खिलाड़ी के पल्ले से तूफान देखने को मिला है। लेकिन जो काम इस खिलाड़ी ने आईपीएल के मैदान पर कर दिया, उस काम को करने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आईपीएल के इतिहास में बड़े बड़े धुरंधर आए, लेकिन इस खिलाड़ी जैसा कारनामा कभी नहीं कर पाए। चलिए अब आपको उस खिलाड़ी के कारनामे के बारे में बताते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है, उसे भी समझ लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने 4 साल 29 दिन बाद आईपीएल शतक लगाकर अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। लेकिन इसके अलग भी विराट चर्चा में है। दरअसल विराट कोहली ने पिछले 8 महीनों में क्रिकेट के हर फॉर्मेट और टूर्नामेंट में अपना कमबैक पूरा कर लिया। आपको याद होगा साल 2019 में 70वें इंटरनेशनल शतक के बाद सितंबर 2022 तक विराट के बैट से कोई भी सेंचुरी नहीं आई थी। विराट 50 का आंकड़ा तो पार कर रहे थे, लेकिन शतक नहीं लगा पा रहे थे। विराट के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जाने लगे थे। कुछ लोग तो उनका करियर भी खत्म बता रहे थे। लेकिन कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटलों के बल चले। कोहली ने 8 सितंबर 2022 को T20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की नॉट आउट पारी खेल दी और अपने शतकों के सूखे को खत्म किया। बस यहीं से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके सबसे बड़े कमबैक की कहानी शुरू हो गई। तब से अब तक T20, वनडे और टेस्ट में शतक के साथ उन्होंने आईपीएल में भी शतक का सूखा खत्म कर लिया। अब विराट के कमबैक की पूरी कहानी जान लीजिए। विराट के कमबैक से पहले उनके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल के बाद 2022 के आईपीएल में भी उनके बैट से रन नहीं निकले। उनकी टीम में सीजन में प्लेऑफ समेत 16 मैच खेले, लेकिन विराट इनमें 22.73 की औसत और 115 के स्ट्राइक रेट से केवल 341 रन ही बना सके। इसके बाद साल 2022 में भी विराट कोहली कोई कारनामा नहीं कर पाए। इस सीजन में वो कई बार टक पर आउट हुए। क्रिकेट के किंग के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन कोहली ने मन में ठान लिया था कि मैं लड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें टीम इंडिया से बाहर बैठाने की सलाह दे डाली थी। विराट को आराम दिया जाने लगा था। संकेत मिल रहे थे कि शायद विराट का करियर अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। टीम इंडिया से T20 मैच नहीं खेलने के बाद UAE में शुरू होने वाले एशिया कप की टीम में विराट कोहली को शामिल किया जाता है। कोहली को पता था कि ये मौका उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 35 रन बनाने के बाद लगातार 250 लगा दिए। कोहली के बल्ले की धार वापस आती दिख रही थी। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 61 गेंदों पर 122 रनों की नॉट आउट पारी खेल दी। इस पारी ने 1021 दिनों से चले आ रहे विराट के इंटरनेशनल शतकों के सूखे को खत्म कर दिया। शतक के बाद कोहली की आंखों में आंसू आ गए। किंग अब मैदान पर गरजने लगा था। उसके बाद बांग्लादेश दौरे पर वनडे करियर की 44वीं सेंचुरी थी जो पूरे 1214 दिन बाद आई थी। फिर श्रीलंका के खिलाफ 2023 की पहले वनडे सीरीज में 2 और शतक लगा दिए। कमबैक शुरू होने के बाद उन्होंने 12 वनडे खेले, इनमें 3 शतक और 1 पचासे के सहारे 554 रन बना दिए। इस दौरान उनका औसत 50 का रहा। T20 और वनडे में तो विराट शतकों का सूखा खत्म कर ही चुके थे, लेकिन क्रिकेट के सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में उनका शतक अब भी नहीं आया था। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में कोहली ने 364 बॉल पर 186 रनों की मैराथन पारी खेली और अपने टेस्ट शतकों का सूखा भी खत्म कर दिया। इस फॉर्मेट में उन्होंने 1205 दिनों बाद शतक लगाया। 6 ही महीनों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 शतक लगाने के बाद विराट ने आईपीएल में भी शानदार आगाज किया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 82 रनों की नॉट आउट पारी खेल दी और अपनी टीम को जीते ला दी। लेकिन गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली ने 62 गेंदों पर अपनी सेंचुरी लगाकर ये काम भी कर दिया। तो ये है किंग कोहली की कहानी, जिसने अपने जीवन में दोनों चीजें देखी। क्रिकेट के शिखर पर भी रहा और फिर वो दौर भी देखा जब अपने ही विराट के पराये हो गए। तो आपका विराट के इस कमबैक पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।